मेरा नाम है मनीष और फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मर्सिडीज 4MATIC के बारे में। तो फ्रेंड्स इस कार की मैं करने वाला हूँ इंजन ऑयल सर्विसिंग। तो ये कार है मर्सिडीज और मैं आपको इसका मॉडल दिखा देता हूँ। तो ये है 4MATIC ML 250 CDI। तो फ्रेंड्स इस कार की मैं करूँगा ऑयल फिल्टर चेंज और इंजन ऑयल रिप्लेस। तो स्टार्ट करते हैं इसको खोलने के लिए। ओके, तो इसका सबसे पहले फर्स्ट हम खोलेंगे इसका एयर फिल्टर और ये इंजन का जो कवर है उसको। तो इंजन का कवर खोलने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है इसमें एक लॉक। तो इसको आपको घुमाना है 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री इस तरीके से घुमा करके आप इस कवर को ऊपर उठाना है। ओके, और बाकी का यहाँ पर भी एक इसका पुश लॉक होता है तो इस तरीके से आप उठा सकते हैं इसको। फ्रेंड्स मैं निकालने वाला हूँ उसका फर्स्ट पहले इंजन कवर। तो ये देखिए ये इसका इंजन कवर है जो कि मैंने हटा दिया है। जो इसका इंजन का कवर था उसको हटाने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ उसके पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर होता है इसका एयर फिल्टर और इस जगह पर लोकेशन है इसकी ऑयल फिल्टर की। यह है इसका कूलेंट बोतल और यह है इसका फ्यूल फिल्टर और यह है इसका इंजन ऑयल गेज लेवल। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका इंजन ऑयल लेवल। तो आपको इंजन ऑयल जो इसका एयर फिल्टर रिप्लेस के लिए ये इसका ECU है ये आपको हटाना होगा इन बोल्टों से खोल करके। तो ये इसका एयर फिल्टर है। अभी स्टार्ट करते हैं इसको खोलने के लिए। तो नीचे आपको ऑयल खोलने के लिए जो इसका नीचे ये प्रोटेक्ट कवर है ये आपको हटाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 13 mm के ये बोल्ट लगे हुए हैं। ओके, 30 mm के। तो आपको बोल्ट खोल करके इसका प्रोटेक्ट कवर हटाना है उसके बाद ही आप इसका इंजन ऑयल खोल पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको खोलने के लिए। इंजन ऑयल खोलने के लिए स्टार्टिंग करते हैं सबसे फर्स्ट नीचे से। तो पहले हम खोलना होता है इसका प्रोटेक्ट कवर जो कि यह है इसकी इंजन सील। और सीट को खोलने के बाद हम इसका ऑयल ड्रेन करेंगे चैम्बर हेड खोल करके। तो यहाँ पर इसमें 30 mm के बोल्ट्स होते हैं जो कि 30 mm के सॉकेट से हमें खोलने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 6 बोल्ट होते हैं तो हमें 3 बोल्ट इसके राइट साइड से और 3 बोल्ट इसके लेफ्ट साइड से खोलने हैं। तो इस तरीके से इसका जो प्रोटेक्ट कवर है ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स सारे बोल्ट खोलने के बाद ये जो सील्ड है इसकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें लॉक होते हैं। ये जब इसको आगे आप पुश कर देंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। ओके, तो आगे करके हम निकालते हैं। मैंने आपको वो वीडियो में दिखाने की लॉक मैंने जो इसका आगे का सील्ड था वो खोल दिया। ये इसका सील्ड है तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इसमें कुछ कट होता है। ओके, तो ये दोनों साइड में इस तरीके से कट होता है। तो ये सील्ड आपको आगे लेकर के निकालना है। ओके, इस तरीके से आपको निकालना है बड़े ही केयरफुल तरीके से। फ्रेंड्स जिस तरीके से हमें लॉक निकालते हैं ना, देखिए मैंने इस साइड का लॉक हटा दिया है, अभी हम इस साइड का भी लॉक हटाएंगे। ओके, तो ये आपको बड़ी काफी भारी होती है, इसमें काफी वजन है तो ये आपको काफी केयरफुल तरीके से इसको हटाना है। ओके, तो अभी हम खोलेंगे इसका इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल खोलने के लिए देखिए मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा सकता हूँ। तो ये है इसका इंजन। तो यहाँ पर इसमें 4MATIC सिस्टम इसमें फिटिंग है। तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑयल पंप चैम्बर। तो इंजन ऑयल खोलने के लिए फ्रेंड्स ये है इसमें, ये आप देख सकते हैं इसमें बोल्ट लगा हुआ है 30 mm का। ये यहाँ से इस बोल्ट को खोल करके हम इसका जो इंजन ऑयल है वो इसमें हम ड्रेन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको खोलने के लिए। तो देखिए ये मैंने जो स्पैनर मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ ये आप इसमें देख सकते हैं ये 30 mm का है। ओके, तो इसको हम इस चैम्बर नट पर लगा करके खोलते हैं।
तो यह है इसका स्लमर नट। फ्रेंड्स ये इसका जो इंजन ऑयल है ये हम तो फोल्ड करके अभी ड्रेन होने का वेट करेंगे। सारा ऑयल जब तक खत्म हो जाता है तब तक हम खोलेंगे इसका इंजन ऑयल फिल्टर ओके और इसका एयर फिल्टर ओके फ्रेंड्स। तो जब तक ये इंजन ऑयल इसका ड्रेन होता है तब तक हम इसका खोलते हैं इंजन ऑयल फिल्टर। और बाकी की मैं आपको इसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है इसकी इलेक्ट्रो प्लस हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मोटर और इसी के अंदर इसका फिक्स है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल स्टीयरिंग मॉड्यूल ओके। और ये है इसकी अल्टरनेटर एसी बेल्ट एक्चुअली। फ्रेंड्स मैंने इस कार का ट्रांसमिशन भी रिपेयर किया हुआ है तो मेरे पास उसका वीडियो है, मैं वो वीडियो भी इसका अपलोड करूंगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इसका वीडियो है तो इसमें फ्रेंड्स एक्चुअली जब मैंने इसका ट्रांसमिशन रिपेयर किया था तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इसका जो ऑयल पंप है तो ये यहाँ पर इसका सेकेंडरी ऑयल पंप है ट्रांसमिशन का। तो मैंने इसमें इसको एक तो ऑयल पंप को इसको रिप्लेस किया था बाकी के इसके ट्रांसमिशन की सर्विसिंग की थी रिसेट किया था पूरा। तो यहाँ पर फिटिंग है इसमें इसका ऑयल पंप ये ओके फ्रेंड्स। तो खोलते हैं इसका ऑयल फिल्टर। जब तक हम वेट करेंगे इसके ऑयल को ड्रेन होने का तब तक हम खोलेंगे इसका ऑयल फिल्टर। तो फ्रेंड्स ऑयल फिल्टर खोलने के लिए ये हम इसकी इंजन की लोकेशन पर आ चुके हैं। तो ऑयल फिल्टर इसका इंजन फिट है इसके लेफ्ट साइड में तो उसको हम खोलते हैं। तो ये मैंने लूज किया हुआ है इसके स्पेशल टूल से। तो ये है इसका टूल इससे हम इसके ऑयल फिल्टर को खोलते हैं ओके। तो अभी हम निकालेंगे इसके ऑयल फिल्टर को बाहर। तो फ्रेंड्स ये है इसका पुराना ऑयल फिल्टर। तो अभी हम इसको बॉडी को क्लीन करके इसमें नया फिल्टर चेंज करेंगे और यहाँ पर फिटिंग होती है इसमें ओरिंग जैसे कि हर गाड़ी में होती है तो इस ओरिंग को भी हम रिप्लेस करेंगे ओके फ्रेंड्स। तो ये है इसकी ऑयल फिल्टर बॉडी। तो बाकी का आप देख सकते हैं ये इसमें एक ओरिंग यहाँ पर है एक ओरिंग ऊपर है तो ये सारी ओरिंग अब इसकी रिप्लेस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है इसका न्यू ऑयल फिल्टर ओके। तो ये हम रिप्लेस करेंगे ओके। और ये है इसकी ओरिंग्स तो ये ओरिंग्स भी हम इसमें रिप्लेस करेंगे ओके। तो इसको हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। ये इसके ऑयल फिल्टर की बॉडी है असेंबली। और अभी खोलेंगे हम इसका एयर फिल्टर और ये है इसका फ्यूल फिल्टर। तो फ्रेंड्स मैं इसका फ्यूल फिल्टर रिप्लेस नहीं करूँगा ओके। तो फ्रेंड्स इस ऑयल फिल्टर को हम इसमें फिटिंग करते हैं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ रिंगों पर इस पर लुब्रिकेशन करना होता है ओके जिससे कि ईजिली इस पर फिक्स हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ईजिली फिक्स हो गया है और हमने इसका जो ओरिंग था वो रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पर जो ओरिंग था वो भी रिप्लेस कर दिया है। ये ओरिंग भी हमने इसका रिप्लेस कर दिया है ओके। तो अभी हम इसको जिस तरीके से हमने खोला था वापस हम उसको उसी तरीके से फिटिंग कर देते हैं। तो ये हमें पहले ईजिली हाथ से लगाना है। फ्रेंड्स ये है इसका स्पेशल टूल। तो अभी हम इससे इसको फिल्टर को टाइट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये इसका स्पेशल टूल तो इससे हम इस फिल्टर को टाइट करने वाले हैं। तो कम्प्लीटली ये टाइट हो चुका है बस जी हमको ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना है ओके ओके फ्रेंड्स। तो ये हमने टाइट कर दिया है। तो अभी हम इसका जो चैम्बर हेड हमने खोला हुआ था वो अभी खुला हुआ है बाकी सारा ऑयल वहाँ से ड्रेन होता रहेगा। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैं जैसे आपको बता चुका हूँ इसका मैं ट्रांसमिशन ऑयल लेवल चेक नहीं करूँगा क्योंकि वो मैंने अभी इसका जो ट्रांसमिशन था वो रिपेयर किया हुआ है और इसका फ्यूल फिल्टर भी मैंने उसी टाइम पर रिप्लेस किया था। तो ये आप देख सकते हैं इसमें न्यू फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है अभी भी ओके। तो ये मैंने उसी टाइम पे इसमें रिप्लेस किया हुआ था फ्यूल फिल्टर उसका ट्रांसमिशन ऑयल। तो ट्रांसमिशन ऑयल और फ्यूल फिल्टर मैं इसका रिप्लेस नहीं करूँगा। तो खोलते हैं इसके एयर फिल्टर को। तो फ्रेंड्स हमें एयर फिल्टर असेंबली खोलने के लिए ये जो इसका ECM है ECM में ये दो बोल्ट होते हैं हेक्सलिंग की ओके। तो हमें बोल्ट खोलने हैं M8 के। तो इन बोल्टों को खोल करके ये देखिए आप इसका साइज ओके। तो इसमें दो बोल्ट होते हैं ओनली। इस तरीके से हम इसका जो ECU है उसको खोल करके यहाँ साइड में रख देते हैं। तो अभी हम खोलेंगे इसके स्टार स्क्रू पेज उसको खोलने के बाद निकालेंगे इसके एयर फिल्टर को।
फ्रेंड्स, एयर फिल्टर बॉडी खोलने के लिए हमें T25 का ये स्टार बिट चाहिए होता है, तो ये इसको लगा करके हम यहाँ से इजीली इसके जो बोल्ट्स हैं सारे स्क्रू हम खोलते हैं। ओके, तो ये है इसका एयर फिल्टर, यहाँ पर इसकी लोकेशन है। फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4 5, ओके, इसका ये एयर फिल्टर बॉडी है, तो उसको हम खोलेंगे। ओके, तो अभी मैंने इसके 4 स्क्रू खोले हुए हैं, एक स्क्रू इसका साइड लगा हुआ है अभी, तो उसको खोलने के बाद, इस स्क्रू को खोलने के बाद इसका जो एयर फिल्टर है उसको निकालने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैग्नेट ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, कवर हटाने के लिए इसका वायरिंग का लॉक है, जो कि एयर फिल्टर बॉडी पर फिक्स है, तो लॉक को हमें हटाना होता है। ओके, तो इस लॉक को हटा करके इसका इजीली साइड में हो जाता है इसका जो भी है। तो अभी हम स्क्रू को खोल, कवर को सारा कम्प्लीटली खोलने के बाद ये निकलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके जो ऑल स्क्रू थे वो सारे हमने ओपन कर दिए, तो ओपन करने के बाद अभी हम इस एयर फिल्टर के कवर को हटाने वाले हैं। तो हमें इजीली इस तरीके से हम इस कवर को हटा देते हैं। ओके, और ये आप देख सकते हैं, ये है इसका एयर फिल्टर, तो इसको भी अभी हम इजीली हटाएंगे। तो ये इसका एमआर सेंसर है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से ब्रैकेट में फंसा होता है इस पर। ओके, तो ये भी आपको बड़े ही केयरफुल तरीके से इसमें निकालना है, ये इजीली आपको पीछे की साइड ढकेलना है, यहाँ से इसको लेकर के आप पीछे ढकेलेंगे फ्रेंड्स, ये पीछे निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे इसको स्लोली स्लोली हटाते हैं। आप इसमें स्क्रू ड्राइवर की भी हेल्प ले सकते हैं, तो अभी हम इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको धीरे धीरे पुश करते हैं, तो ये निकल जाएगा, ये देखिए। ओके, तो ये इजीली इस तरीके से निकल सकता है। और अभी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये फिल्टर की कंडीशन बिल्कुल न्यू कंडीशन है। तो अभी मैं इसको एयर से इसको क्लीन करने वाला हूँ, इसको मैं रिप्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये अभी नेक्स्ट सर्विस तक चलेगा। तो जो फिल्टर चॉक होता है वो तो आप देख ही समझ सकते हैं, वो बिल्कुल चॉक हो जाता है। और ये ओरिजिनल फिल्टर है मर्सिडीज बेंच, तो ये मैंने इसकी पिछली सर्विस में इसको रिप्लेस किया था, तो अभी मैं इसको क्लीन करके इसको फिटिंग करूँगा। तो बाकी का ये है इसकी ये फिल्टर क्लीनर बॉडी, तो इस असेंबली को भी हम क्लीन करेंगे। ओके, तो उसको हम क्लीन करते हैं, क्लीन करके फ्रेंड्स इसमें फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको क्लीन करने का सबसे सरल मेथड है, सबसे पहले आपको इसमें बैक साइड हवा लगानी है, यानी कि इसके अंडर आप हवा लगाएंगे, तो अंदर जब आप हवा लगाएंगे तो वो जो इसकी बाहर जो डस्ट है वो बाहर ईजिली निकल जाएगी। ओके, यानी कि आपने अंडर हवा लगाई तो जो इसकी डस्ट है बाहर की साइड, वो बाहर हवा निकल जाएगी। ओके, अगर आप यहाँ से हवा लगाएंगे तो जो डस्ट है वो अंदर पुश हो जाएगी, तो अंदर की तरफ वो डस्ट सारी आ जाएगी। तो पहले हमें फर्स्ट सबसे पहले इसके अंदर हवा लगानी है, तो हम पहले इसके अंदर हवा लगाएंगे, उसके बाद हम बाहर हवा लगाएंगे। तो ये है इसका कंप्रेसर पाइप। ओके, तो देखिए हम इसे पहले अंदर हवा लगाएंगे, तो देखिए किस तरीके से इसकी डस्ट जो है बैक साइड आ रही है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से ही हमें फिल्टर हमको क्लीन करना है, और क्लीन करके हम इसको फिटिंग कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कम्प्लीटली जो इसका एयर फिल्टर था वो हमने क्लीन कर दिया इसको एयर से। तो मैं आपको स्क्रू दिखाता हूँ, ये यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, ओके, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसके अंदर है सेवन, ओके, और एक सेवन। ओके फ्रेंड्स, तो ये कम्प्लीटली हमने इसको, इस एरिया को क्लीन करके अभी हम इस फिल्टर को इसमें फिट करेंगे जिस तरीके से हमने खोला है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो भी डस्ट था वो हमने पूरा डस्ट इसका क्लीन कर दिया है। ओके, तो उस डस्ट को क्लीन करने के बाद इसका जो फिल्टर है उसको हम फिटिंग करते हैं। तो वापस जिस तरीके से वो हमने निकाला है, ओपन किया था, उसी तरीके से हम इसको फिटिंग करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर ये इस बोरिंग में फिक्स हो जाता है, ये बैठ चुका है अब पीटी। तो ऊपर का जो इसका कवर है उसको भी हम लगाएंगे इजीली। फ्रेंड्स ये है इसका कवर, तो इजीली ये यहाँ पर जो इसका स्क्रू है, स्क्रू की लोकेशन पर लेकर के हम इसके जो स्क्रू है उसको फिटिंग करेंगे वापस। टाइट करते हैं फ्रेंड्स इस सारे स्क्रू, जिस तरीके से हमने सारे इसके ओपन किए थे उसी तरीके से हम सारे स्क्रू को फिटिंग कर देते हैं। तो अभी कंटिन्यू देखते रहिए फ्रेंड्स। अभी मैं इसको, इसमें जो इंजन ऑयल है उसको फील करने के बाद इसकी सर्विसिंग है उसको भी रीसेट करूँगा स्कैनर से। अभी मैं आपको बताऊँगा ये हमें किस तरीके से, इसमें एक सर्विस का इंडिकेशन होता है जो कि इंटरवल, जो कि इसमें हमें इंडिकेट करता है कार आपकी सर्विस पर आ चुकी है। तो अभी हमें वो भी स्कैनर से इसमें रीसेट करना है, ओके। तो कंटिन्यू देखते रहिए आप वीडियो को, थोड़ा सा लंबा है। फ्रेंड्स इसके जो स्क्रू है वो आपको ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करने हैं क्योंकि ये एक प्लास्टिक की बॉडी में टाइट है, इसका जो थ्रेड है तो वो आपको ओवर टाइट नहीं करना। अगर आप ओवर टाइट कर देंगे तो फ्रेंड्स जो प्लास्टिक है वो स्लिप हो सकता है, ख़राब हो सकता है, तो आपको लिमिट में टाइट करना है। फ्रेंड्स इसकी सारी ये स्क्रू टाइट करने का, जिस तरीके से हमने इसका जो इश्यू था उसको खोला था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ग्रीन कलर का एक रबर लगा हुआ है ये ओरिंग। तो मैं आपको बता सकता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो एरिया है इसका फेसिंग का, ये जो एरिया है तो यहाँ पर ये ओरिंग फिक्स होता है। अगर आपको ये प्रॉपरली सही बैठाना है इसमें, यहाँ पर सही फिक्स करना है, अगर आप इसको सही फिक्स नहीं करेंगे तो यहाँ से जो इसका एयर है वो लीकेज होगा। तो यहाँ पर इस जगह लॉक पर, इस लॉक पर, सॉरी लीनियर, तो यहाँ पर इस लॉक पर ये जो इसका ECM का जो बैक एरिया है ये, ओके, ये दोनों एरिया इस ECM के यहाँ पर इसमें फिक्स होते हैं। ये आपको फिक्स सही तरीके से बैठा लें, अगर आप सही नहीं बैठा लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका यह लीकेज होगा और थोड़ा पिकअप में भी प्रॉब्लम आएगा, ओके। तो अभी हम जिस तरीके से हमने इसको खोला है वापस हम उसी तरीके से इसको फिटिंग करेंगे। ये है इसका स्प्लिटर टूल, तो ये इसमें E10, ओके, E10 के इसमें टू, ये इसमें डबल बोल्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है और एक इस जगह पर फिटिंग होगा। यहाँ पर फिटिंग करते हैं इसको सारे बोल्ट कम्प्लीटली टाइट होने के बाद। फ्रेंड्स यह है इसका इश्यू, जिस तरीके से मैंने आपको इस रबर के बारे में बताया था यहाँ पर इस फेस पर वो रबर फिक्स होगी। तो अभी हम इसके इश्यू को फिटिंग कर रहे हैं प्रॉपरली, इस तरीके से यहाँ पर लॉक में फिक्स होना चाहिए, ओके। और आगे हम इसका जो स्क्रू जो हमने खोला हुआ था उसको हम फिटिंग कर देते हैं। तो ये हमें इस तरीके से फिटिंग करना है आराम से, सही तरीके से प्रॉपर बैठाल करके। फ्रेंड्स इसका जो इश्यू था वो हमने कम्प्लीटली जिस तरीके से वहाँ बैठा चाहिए वो बैठ चुका है, वो तो जिस तरीके उसकी अगर बैठ जाएगा फिक्स तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा, ओके। बोल्ट्स का वो तो हमने यहाँ पर ये बोल्ट फिट कर दिया है, तो हम इसका अभी ये बोल्ट है इसको कम्प्लीटली टाइट कर देते हैं, ओके। फ्रेंड्स तो ये मैंने आपको इस टूल के बारे में बता दिया है, ये इसका E10 की स्पेशल टूल है, तो हम इसको लगा करके इसको पूरा टाइट कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स तो ये कम्प्लीटली हमने इसका एयर फिल्टर था वो फिटिंग कर दिया है, ऑयल फिल्टर फिट कर दिया है। तो फ्रेंड्स करते हैं अब इसका जो इंजन का नीचे जो हमने ऑयल सम्प नट जो इसका खोला हुआ था तो उसको फिटिंग करेंगे। फ्रेंड्स ये हमें पहले इसका जो एरिया है चैम्बर नट का वो हमें क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद जो इसका हमने स्पैनर से नट खोला था उसको हम फिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक कॉपर का वार्सल होता है, तो ये वार्सल होना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस तरीके से हमें नट फिट कर देना है, ओके। तो ये नट फिटिंग करने के बाद ये हमें इसके स्पैनर से टाइट करना है।
हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसका नट हमने टाइट कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये है इसका फॉर्मेटिक, बोले तो हम जिस तरीके से बोलते हैं इसको 4x4। तो यहाँ से आप इसका इंजन ऑयल लेवल चेक कर सकते, सॉरी इसका गियर ऑयल लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं, ऑयल लेवल, ये इसका ऑयल लेवल चेक करने का नट है। ओके, तो ये मैंने सारे ऑयल लेवल इसके ऑलरेडी, पहले ही मैंने इसका ट्रांसमिशन रिपेयर किया था तो मैंने सारे ऑयल इसके चेंज रिप्लेस कर चुका हूँ, चेंज कर चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फील करते हैं अब इसमें हम इंजन ऑयल को। तो फ्रेंड्स इंजन ऑयल डालने के लिए हमें टॉप ऑफ करने के लिए इसका कैप है ये हमें खोलना होता है, तो यहाँ से हम इसमें इंजन ऑयल टॉप ऑफ करेंगे। ओके, तो ये है इसका ऑयल कैप, तो हमने इसका कैप खोला हुआ है, इसका कैप है, और अभी हम यहाँ से इसका इंजन ऑयल टॉप ऑफ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसमें इंजन ऑयल डालने के लिए। तो ये है इसका 100% सिंथेटिक इंजन ऑयल। ओके, तो ये 4 लीटर की कैन है, तो ये पहले फर्स्ट इसमें 4 लीटर कैन इंजन ऑयल डालता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका जो इंजन ऑयल लेवल है वो आप यहाँ से इसमें चेक कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये है इसकी दूसरी कैन जो कि हमने एक कट्टी इसमें इंजन ऑयल डाल चुके हैं। ओके, तो अभी हम इसमें दूसरा जो है वो ऑयल डालने वाले हैं। तो यहाँ से आप इसमें इंजन ऑयल फिलिंग कर सकते हैं, और अगर आपको कभी भी इसका फ्यूल फिल्टर रिप्लेस करना है तो यहाँ से इस लोकेशन से आप इसकी एयर ब्लीड कर सकते हैं। ओके, तो एयर ब्लीड करने के लिए ये इसकी लोकेशन है सबसे बेस्ट, मैं भी यहीं से करता हूँ इसकी एयर ब्लीड जब मैं इसका फ्यूल फिल्टर रिप्लेस करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने अभी इसमें 7 लीटर इंजन ऑयल टॉपअप किया है, अभी मैं इसका इंजन ऑयल लेवल चेक करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं जो इसका इंजन ऑयल लेवल है वो टॉपअप हो चुका है। ओके, तो ये इसका मैक्सिमम लेवल है और ये इसका मिनिमम लेवल है, तो मार्क जो है इसका मैक्सिमम लेवल पर इंजन ऑयल टॉपअप हो चुका है। ओके, तो हमने इसमें जो इंजन ऑयल टॉपअप किया है वो अभी 7.2 लीटर। ओके, तो मैंने इसमें 7 लीटर 200 ग्राम इंजन ऑयल टोटल डाला है, तो इसकी क्वान्टिटी लेवल जो है वो पूरी हो चुकी है। अभी जो इसका इंजन ऑयल कैप है वो हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इसका इंजन ऑयल लेवल कैप, तो ये हमने इसे फिट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये फिटिंग हो चुका है। तो फिटिंग होने के बाद फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो कूलेंट बोतल है उसका लेवल। तो फ्रेंड्स ये है इसका कूलेंट बोतल, तो यहाँ से आप इसका कूलेंट लेवल चेक कर सकते हैं, ये देखिए। तो जो कूलेंट लेवल है वो बिल्कुल टॉप अप है। ओके, तो अभी मैं इसमें कूलेंट जो है वो मिक्स करूँगा 1 लीटर, तो इसमें थोड़ा सा 1 लीटर कूलेंट कम करने के लिए मैं इसमें थोड़ा 1 लीटर कूलेंट नया मिक्स कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको कूलेंट थोड़ा सा कम करने के लिए आप ये इसका बोतल से पाइप हटा सकते हैं इस तरीके से, और आप यहाँ पर किसी एयर कंप्रेसर, तो फ्रेंड्स इस पाइप को आप हटाने के बाद आपको दोबारा से कैप लगाना है, और यहाँ से आपको एयर करेंगे तो यहाँ से इसका कूलेंट जो है निकलने लगेगा। ओके, तो इसी तरीके से मैं इसका कूलेंट जो है थोड़ा कम करके इसमें 1 लीटर कूलेंट ऐड करूंगा। फ्रेंड्स ये है इसका ओरिजिनल जेन्युइन कूलेंट, तो आप देख सकते हैं कूलेंट, तो इसमें 1.7 का रेशियो है। ओके, तो ये कूलेंट मैं इसमें फिटिंग पूरा फिल करने वाला हूँ कम करने के बाद, तो इसमें 1.7 का रेशियो है, तो इसलिए मैं इसमें कूलेंट यहीं से फिल कर देता हूँ, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल कूलेंट है, तो इसमें 1 लीटर में 7 लीटर आप बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने इसका कूलेंट जो था वो टॉपअप कर दिया है, तो यहाँ से हम इसमें विंडशील्ड वॉशर जो है वो इसमें फिल करेंगे, शैम्पू और मिनरल वाटर। ओके, तो इसका जो लॉक था ये लॉक हम इसमें फिट करने वाले हैं, पूरा कम्प्लीटली फिटिंग हो चुका है इस पाइप का। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ फ्यूल फिल्टर मैंने इसका रिप्लेस नहीं किया है, ओनली ऑयल फिल्टर, कूलेंट, इंजन ऑयल,
एयर फिल्टर क्लीन किया है, तो शैम्पू में इसमें अभी ऐड करने वाला हूँ। ओके, तो शैम्पू ऐड करने के बाद फ्रेंड्स अभी इस कार को हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर लीकेज चेक करेंगे। फ्रेंड्स ये है इसका वॉशर का शैम्पू। ओके, ये आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन वॉश, तो उसको हम फील कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें शैम्पू इसमें डाल देना है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम इसमें वॉटर मिला देते हैं। तो ये हमने इसमें वाटर मिला दिया है, तो पूरा टॉपअप हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी हम इस कार को अब स्टार्ट करके चेक करना होगा हमें इसका ऑयल फिल्टर और शेमर नट। तो फ्रेंड्स करते हैं इस कार को स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हमें करना होता है इस कार में ये इसकी स्मार्ट की, यहाँ से हम इसमें सेट लगा लेते हैं। तो फर्स्ट हमें इसमें इंजन ऑयल का जो लैंप होता है वो हमें चेक करना है, वो इंजन ऑयल लैंप इसमें चालू तो नहीं है, तो वो ऑफ है। तो अब सबसे पहले फर्स्ट अब हम चेक करते हैं इसका ऑयल फिल्टर। तो फ्रेंड्स ऑयल फिल्टर चेक करने के लिए ये आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल फिल्टर है वो लीकेज तो नहीं है। ओके, ये हमें चेक करना होता है, और नीचे हमें चेक करना होता है इसका जो शैमर नट है, तो क्योंकि ऑयल सम का नट होता है। फ्रेंड्स आप ऑयल सम का नट भी दे सकते हैं, ये भी बिल्कुल ओके है, लीकेज नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जिस तरीके से मैंने इसका सीट खोला हुआ है, ये प्रोडक्ट कवर और ये जो कवर खोला हुआ है, तो सारे इस कवर को मैं फिटिंग कर दूंगा कम्प्लीटली जिस तरीके से मैंने खोला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ऊपर का जो कवर है इसका इंजन का, वो कवर भी मैं अभी फिटिंग करूंगा। ओके, तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको उसमें बताऊंगा भी स्कैनर से इसका सर्विस किस तरीके से रीसेट करते हैं। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, अभी मैंने इसके पूरा कम्प्लीटली सर्विस कर दिया है, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर जो भी था, इंजन ऑयल सारा चेंज करने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसका सर्विस जो भी है रिसेट करने का तरीका। तो फर्स्ट ये इसका डीएलसी लोकेशन है, ये है इसका कनेक्टर, तो यहाँ पर लगता है इसमें ये डीएलसी का कनेक्शन। ओके, तो ये इसका कवर है, तो इस तरीके से ये आपको चिप पुश करके इस कवर को आप हटा देंगे, ये 16 पिन का ओबीडी अडैप्टर आप यहाँ पर इसे फिट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से फिटिंग हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो फिटिंग होने के बाद आपको क्या करना है, कार स्टार्ट है तो हमें सबसे पहले यूरोपियन जाना है, यूरोपियन में जाने के बाद ये मर्सिडीज। ओके, ये मर्सिडीज में जाने के बाद हम सबसे पहले लेते हैं इसकी हेल्थ रिपोर्ट। तो हेल्थ रिपोर्ट देने के बाद हमें जो उसके डायग्नोसिस जो फोल्ट होते हैं डीटीसी जो होते हैं उसको पहले हमें क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ हमें फर्स्ट ये इसमें ऑटोमेटिक सर्च करना है। ओके, तो ये हमको यस कर देना है। ये इसका फ्रेंड्स विन नंबर था जो इसमें आ चुका है। ओके, तो ये इसका विन नंबर है, ये इसका मॉडल नंबर भी आ चुका है इसमें, ML250 CDI फॉर्मेटिक ऑफ रोडर। ओके, तो ये हमें ओके कर देता है। तो अब ये हेल्थ रिपोर्ट्स, यस स्विच इग्निशन ऑन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कार स्टार्ट है, RPM मीटर। ओके, ये मैंने एक्सेशन दिया, तो ये ओके। तो अभी हमें वेट करना होगा, ये यहाँ पर 100% होने का। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हमें इसका DTC चेक करना होता है, तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो सिस्टम ओके है, शिफ्ट मॉड्यूल जो है वो भी ओके है। तो ये इसमें ये नॉट इक्विपेड है, तो इसका मतलब ये फ्रेंड्स ये सिस्टम इस कार के अंदर फिटिंग नहीं है, तो इसलिए ये नॉट इक्विपेड है। तो जो सिस्टम ओके है या इक्विपेड है वही इसमें फिट है, ये नॉट इक्विपेड है वो सिस्टम इसमें फिटिंग नहीं है। ओके, तो अभी हमें ये पूरा कंटिन्यू 100% तक होने का वेट करना है। तो ये देखिए आप डायग्नोस करते हैं, तो इस टाइम पे इस तरीके को सिग्नल आ सकते हैं इसमें, क्योंकि डायग्नोसिस मोड पे है। तो फ्रेंड्स इसमें ESP में एक फोल्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम में 1 फोल्ट, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन लॉक में 1 फोल्ट है, 1 फोल्ट 1 फोल्ट।
कंटिन्यू होने देते हैं इसको अभी, तब तक मैं आपको उसके बेसिक पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। ओके तो फ्रेंड्स, ये है इसका हैंड ब्रेक। ये अगर आप इसको उस तरीके से कर देते हैं ब्रेक लगा करके, तो इसका हैंड ब्रेक है। अगर आप इसको अंदर पुश करते हैं तो डाउन हो जाता है। ओके तो देखिए, ये अभी मैंने इसे हैंड ब्रेक लगाया हुआ, तो आप ये देख सकते हैं रेड कलर का लैम्प पार्किंग ब्रेक का आ चुका है। तो अगर आप इसको उस तरीके से खींचेंगे तो ये इसका हैंड ब्रेक डाउन हो चुका है। ये देखिए लाइट बंद हो चुका है। अगर आप इसको पुश कर देते हैं तो हैंड ब्रेक लग चुका है। ओके तो इसका पार्किंग ब्रेक है, और यहाँ से आप इसका हेडलैम्प ऑटो, ये ऑटोमेटिक है। जब भी आप कार नाइट पे या अंधेरे पे होकर निकलेगी तो ऑटोमेटिकली ये लाइट जल जाएगी। तो ये ऑटो लाइट जो काम करता है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर इसका सेंसर होता है। ओके ऑटो लाइट का, और जो रेन वाइपर जो होते हैं, ऑटो वाइपर जो होते हैं, उसका भी सेंसर यहीं पर फिटिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको उसके गियर शिफ्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ से मैनुअली आप यहाँ से इसका गियर माइनस कर सकते हैं, यहाँ से प्लस कर सकते हैं। ओके और ये है इसका गियर लीवर। तो ये पी पार्किंग पे अगर आपको करना है तो बटन आपको प्रेस करना हो, पुश करना होगा तो पार्किंग। अगर आप इसको ब्रेक लगा करके ऊपर आर पे करते हैं तो आप देख सकते हैं ये रिवर्स गियर इसमें डल चुका है। तो ये न्यूट्रल करने के लिए न्यूट्रल, ये डी। ओके तो ये आपको डी पे लेने के लिए इस तरीके से, एंड पे करने के लिए इस तरीके से, और रिवर्स करने के लिए इस तरीके से। ओके तो अभी मैं इसको पार्किंग कर देता हूँ। तो पार्किंग करने के लिए आप देखना वहाँ पर मीटर पर अभी एन पे है, तो पुश करके ये मैं पार्किंग पे कर चुका हूँ। ओके तो अभी कार के चारों व्हील है वो लॉक हो चुके हैं, तो देखते हैं अभी कितना परसेंटेज है। ये अभी 80% हो चुका है, तो पूरा 100% होने का वेट करना है इसमें। देखते हैं इंजन का, बाकी का मैं आपको बताता हूँ। और इसका जो इंजन कवर वगैरह है वो मैं फिटिंग करने के लिए, फ्रेंड्स ये है इस कार का इंजन कवर। तो जिस तरीके से मैंने खोला था वापस मैं उसको उसी तरीके से फिटिंग करूँगा, उसी तरीके से वापस हम उसको फिटिंग करेंगे। इसका जो लॉक है वो हमें वापस से फिर से 90 डिग्री घुमा करके इसको हम लॉक कर देंगे। लगाने के बाद फ्रेंड्स ये आपको ऊपर उठाकर चेक करना है लॉक हो चुका है या नहीं। ओके ये 90 डिग्री पर रुकना पड़ता है जिस जगह पर लॉक की पोजिशन आती है, उसको भी हम काफ़ी केयरफुल तरीके से आपको लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये लॉक हो चुका है। ओके तो लॉक हो चुका है, तो कम्प्लीटली इस कार की सर्विसिंग थी वो हमने कर दी। अभी हम इस कार की वॉशिंग करेंगे, तो वॉशिंग का वीडियो मैं इसमें नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। सर्विस रिसेट का मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। ओके तो फ्रेंड्स कार के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। ये है मर्सिडीज ML250 CDI 4MATIC। ओके अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ रहा है Volkswagen Polo इंजन ओवरऑल का। तो कम्प्लीटली मैंने इसका इंजन ओवरऑल किया हुआ है क्योंकि इसकी जो क्रैंक थी वो सिलेंडर नंबर 1 से सीज हो चुकी है, तो उसका मैं इंजन ओवरऑलिंग का वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिलेंडर हेड। ये है इसका सिलेंडर हेड जो कि इसके जो हेड वाल्व है तो उसको हम ग्रीन कर रहे हैं, उसको हम सेटिंग कर रहे हैं इसके हेड के लिए। तो ये होती है इसकी एमरी, तो ये बाल टिप्ट होती है, एक पुलर होता है स्पेशल टूल, तो उस तरीके से आप इसको बाल जो है इसको सेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स तो कम्प्लीटली अभी नेक्स्ट वीडियो जो है आपका वो Volkswagen Polo का है। तो अभी इसका वीडियो कम्प्लीट होने के बाद मैं Polo के वीडियो को अपलोड करूँगा इंजन फिटिंग का। तो देखते हैं ये 100% हुआ या नहीं। अभी तो देखिए फ्रेंड्स ये 100% हो चुका है, तो हमें इस पर फोल्ड चेक करना है। तो फोल्ड रिपोर्ट चेक करते हैं फर्स्ट। तो स्टेबिलिटी प्रोग्राम में एक फोल्ड है चेक फॉर करेक्ट टाइम। ओके इग्निशन मैलफंक्शन। ओके तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होता है, कोई परमानेंट फॉल्ट होगा तो वो नहीं DTC क्लियर होगा। अगर कोई टेम्परेरी फॉल्ट कोड है ये तो ये चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर लिख के आ रहा है कंप्लीटेड कंप्लीटेड। तो फिर से फ्रेंड्स हमें 100% का वेट करना है। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स कंप्लीटेड ही हो चुका क्योंकि तो इसमें कोई टेम्परेरी फॉल्ट थे वो, क्योंकि अधिकतर कुछ फॉल्ट बैटरी के पॉजिटिव
टर्मिनल को खोलने से भी आ जाते हैं, कुछ फोल्ड ओपन सर्किट से भी आ जाते हैं। ओके, तो ये कंप्लीटेड हो रहा है, 96% हो चुका है, ओनली 4% की बात है। तो क्लियर फोल्ड मेमोरी। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारी फोल्ड मेमोरी क्लियर हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसके सर्विस रीसेट के बारे में। तो आपको बैक आना है, बैक आकर के आपको जाना है रीसेट, ऑयल रीसेट कंफर्म। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको ऑयल सर्विस के रीसेट के बारे में बताना चाहूँगा स्टेप से, नए तरीके से। या आप कार बंद है, कार स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं ये सर्विस का इंडिकेशन आ रहा है B5 ओवरड्यू बाय 46 डे। ओके, तो ये चीज़ फ्रेंड्स हमें रीसेट करनी होती है। तो हमें स्कैनर में सेलेक्ट करना है मर्सिडीज, तो मर्सिडीज वेंस, स्विच इग्निशन ऑन, तो इग्निशन ऑन होना चाहिए आपका। ये इसका विन नंबर, पैसेंजर कार, सॉफ्टवेयर रीसेट, ऑटोमेटिक स्कैन, ये इसका विन नंबर, कंफर्म बाय जनरल मेंटेनेंस, रीसेट जनरल मेंटेनेंस, तो मैं करना चाहूँगा कंफर्मेशन ऑफ जनरल मेंटेनेंस। ये कम्युनिकेशन प्लीज वेट का अभी बता रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इसमें टोटल आ चुका है पूरा, ऑयल क्वालिटी, सर्विस कोड B5, तो अभी इसमें यहाँ पर B5 था, वर्कशॉप कोड। ओके, कि -46 डे हो चुका है इसमें, तो ये पूरा। ओके, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो ये जनरल मेंटेनेंस बेस्ट कंफर्म, ये मैंने ओके। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं डिस्टेंट नेक्स्ट सर्विस 15,000 किलोमीटर पर इसकी सर्विस होनी है। नेक्स्ट सर्विस जो उसका डे टाइम का आ चुका है 365 365 दिन, यानी कि 1 ईयर। ओके, तो ये इसका किलोमीटर का आ चुका है, तो अभी हमें ये एडजस्ट करना है। ये बैक बैक बैक, तो अब मैं आपको दोबारा से चेक कराता हूँ। ये मैंने स्विच ऑफ किया, ये स्विच ऑन किया, तो देखिए फ्रेंड्स ये वो जो इंडिकेशन था सर्विस का वो जा चुका है। ओके, तो कार को मैं बंद करके दोबारा से आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स कार स्टार्ट हो चुकी है और जो सर्विस का जो इंडिकेशन था वो कम्प्लीटली जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने जिस तरीके से आपको रीसेट का, सर्विसिंग का मैंने आपको समझा दिया है, तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई सवाल जवाब या कोई हमारे लिए कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप हमें बताइए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो सुधार करूँगा। ओके, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।